रात अंबाला एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश की पहचान कैथल जिला के कोलगांव के रहने वाले अमित उर्फ मीता के रूप में हुई है। अमित का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र के एक नामी सेंटर संचालक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद 29 जुलाई को सेंटर संचालक पर फायरिंग भी की गई। मामले में एक आरोपी को अम्बाला से गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ करने के बाद टीम अमित तक कुरुक्षेत्र पहुंची। एसटीएफ की टीम ने इससे पहले करनाल के इब्राहिम, मंडी निवासी राकेश, सांभली निवासी राहुल राणा और हरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं सब लोगों से पूछताछ के बाद एसटीएफ को अमित का सुराग लगा था। डीएसपी अशोक कुमार की माने तो अम्बाला एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि अमित मिर्जापुर भाखड़ा नहर के पास है। टीम ने मौका लगते ही उसे घेर लिया। बचने के लिए अमित सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। टीम ने अमित को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ अम्बाला ने कोई आदमी पकड़ा था और अपराधी ने पुलिस पर हमला कर दिया था, इनकाउंटर हुआ था और ज्यादा डिटेल मुझे अभी पता नहीं है, ज्यादा डिटेल पता लगने के बाद ही आपको बता दूंगा। तो गोली तो लगी है ना पैर में? अभी वेरीफाई करने लग रहे, गोली तो लगी। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक गोली सब इंस्पेक्टर दिलजीत के कान के पास से निकली और एक गोली कांस्टेबल रोहित की बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिससे एक गोली अमित के दाएं पैर के टखने में लगी। इसके बाद टीम ने उसे पकड़ लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।